खर्च भर में हंगामा शुरू हो चुका है। आखिरकार अक्षय कुमार ने बकरा ईद यानी कुर्बानी को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे कि मुसलमान अक्षय कुमार के इस बयान को लेकर बेहद ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अक्षय कुमार अपने बयान में कहते हैं, बकरा ईद यानी ईद अल अजहा के मौके मुसलमान को बिना रोक टोक के पूरी आजादी के साथ उनको जानवर की कुर्बानी करने की इजाजत देनी चाहिए। ऐसा ना हो सरकार कोई नई गाइडलाइन लाकर किसी भी तरह की कुर्बानी पर रोक टोक लगनी शुरू कर दे, क्योंकि इस हमारे प्यारे भारत में सभी को आजादी है अपने धर्म के हिसाब से चलने की। इसके बाद अक्षय कुमार कहते हैं, हमें बकरा ईद के मौके पर एक दूसरे के घर पर जाना चाहिए और जो भी ईद के मौके पर खाना बनता है जैसे कि खीर दही दही भल्ले, उन सभी डिश को खुशी से खाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा दिन होता है जब हम सभी के दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं। और आखिर में अक्षय कुमार मुसलमान को बकरा ईद यानी ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, मेरे मुसलमान भाई और बहनों, आप खुशी के साथ बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार बनाओ और कुर्बानी करो, और इस कुर्बानी के गोश्त को गरीबों तक जरूर बटना, क्योंकि जिनको पूरे साल गोश्त खाने को नहीं मिलता वो इस दिन आपकी कुर्बानी का गोश्त उन गरीब मुसलमान तक पहुंचेगा तो आपको और आपके परिवार को बेहद ज्यादा दुआ मिलेगी। और आखिर में हम आपको बताते चलें, जितने भी बॉलीवुड के मुस्लिम एक्टर हो या फिर हिंदू एक्टर हो, सभी लोग बकरा ईद के मौके पर एक दूसरे के घर पर जाकर बकरा ईद यानी ईद उल अजहा के त्योहार को सेलिब्रेशन करते हैं। बस हमें बकरा ईद के मौके पर अपने इलाकों में साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर हम किसी भी जानवर की खुले में कुर्बानी कर देते हैं जिससे कि आने जाने वाले लोगों को बेहद ज्यादा तकलीफ होती है। और मैं आपको बताता चलो, सलमान खान ने भी बकरा ईद के मौके पर 8 करोड़ का बकरा खरीद लिया है और शाहरुख खान ने भी पूरे 11 करोड़ का बकरा खरीद लिया है, जिसकी फुल वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, जाकर देखें शाहरुख खान और सलमान खान का बकरा कितना भारी है और कितना वजनदार है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।